Dear friends, I have some question. I came here days year ago. यहाँ पर आर्टिकल कौन सा लगेगा, एन ए या द? क्या आप यहाँ पर कौन सा आर्टिकल लगाओगे? क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि द को हम डेफिनेट आर्टिकल क्यों कहते हैं? यहाँ पर आप कौन सा आर्टिकल लगाओगे? दैट वॉज देश ईयर ऑफ कोल्ड, एन ए या द? और यहाँ पर कौन से आर्टिकल को, कौन सा आर्टिकल जो है वो आप पुट करोगे? अब गया ना, चले कोई मसला नहीं। डिफरेंट इन्हीं चीज़ों को सोल्व करने के लिए तो हम आए हैं यहाँ पर। वेलकम टू LWKF चैनल डिफरेंट। अस्सलाम वालेकुम, वी वेलकम यू गाइस हियर। डिफरेंट ये आज का हमारा पार्ट 11 है एंड इन दिस लेक्चर टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आर्टिकल and this is summer gift as you know. Articles को actual में दो categories में इसको divide किया जाता है। एक है indefinite category कहें या indefinite articles, और दूसरा होता है definite articles। अगर पहले हम indefinite को देख लेते हैं, indefinite further इसके अंदर बताया जाता है कि indefinite के अंदर there are two articles discussed above, for example a और n। ये a और n जो हैं ये फॉल करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स की कैटेगरी के अंदर। फॉर एग्जांपल ए डॉक्टर। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि ए और एन आर्टिकल को इनडेफिनेट आर्टिकल क्यों कहा जाता है? द रीजन इज ये डेफिनेट नहीं होते, ये सर्टेन नहीं होते। जब भी किसी चीज़ को ए या एन रिप्रेजेंट कर रहे हों, इट मीन्स दैट इज नॉट डेफिनेट, इट मीन्स दैट इज नॉट सर्टेन, इट मीन्स दैट इज नॉट पर्टिकुलर। किसी के बारे में भी बात चल रही होगी और पता नहीं होगा कि क्या किस बंदे के बारे में बात चल रही है। फॉर एग्जाम्पल ए डॉक्टर, एक डॉक्टर। अब ये डॉक्टर कौन सा, ही कैन बी एनी, ये कोई भी हो सकता है। इनमें से किस डॉक्टर की बात चल रही है पता नहीं ना, आई थिंक इसकी चल रही है मे बी, मगर पता नहीं चल रहा है कि ए या एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरी कैटेगरी है डेफिनेट आर्टिकल, जिसके अंदर फॉल करता है द। आर्टिकल्स के दो कैटेगरी थी, कैटेगरीज हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल के ए और एन है और डेफिनेट आर्टिकल के अंदर आता है द। द जो होता है दिस इज सर्टेन, दिस इज पर्टिकुलर, इट शोज टू पर्टिकुलरिटी, इट शोज टू डेफिनेटली। ये एक सर्टेन बंदे की बात कर रहा होगा हमेशा, ही सॉ द डॉक्टर। यहाँ पर जब द लग जाए इट मीन दैट के वो किसी पर्टिकुलर डॉक्टर की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल चार पांच लोग हैं किसी एक डॉक्टर के बारे में बात कर रहे हैं और उस डॉक्टर को मे बी वो जानते होंगे, हम उन जगहों पर यूज करते हैं द को। बात क्लियर हो गई कि द को डेफिनेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब द किसी भी नाउन के पीछे लग जाए तो इसका मतलब है कि वो एक पर्टिकुलर किसी बंदे, पर्टिकुलर किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। Different, don't forget to subscribe our this channel. अब है indefinite articles, तो आज इस lecture के अंदर सिर्फ हम A और N के बारे में बात करेंगे, सिर्फ indefinite articles के बारे में बात करेंगे, and in coming lecture in part 12 we shall discuss about the definite articles. These are used before singular countable nouns. याद रखिएगा हमेशा ये singular मतलब एक हो, countable वो जो को जिसकी गिनती हो सके। सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ ही ए और एन लगेंगे तो ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ए बुक, एन ऑरेंज, ए गर्ल एक्सेट्रा। द सिंपल डिफरेंस ए और एन के दरमियान है वो ये है कि एन जो है वो हमेशा उस वर्ड के साथ यूज होगा जिस वर्ड का जो साउंड है वो अलिफ की आवाज से स्टार्ट हो रहा होगा। इसकी स्टार्टिंग फॉर एग्जाम्पल इस तरह हो रही होगी, आ ई ऊ ओ ए एटसेट्रा। इस तरह की अगर स्टार्टिंग हो रही तो हम वहां पर हमेशा एन लगाएंगे, और याद रखिएगा वो सिंगुलर होना लाजमी है, प्लूरल ना हो, सिंगुलर है। और अगर उसकी आवाज अलिफ से स्टार्ट हो रही है तो फिर हम एन लगाएंगे, बस इससे ज्यादा एन लगाएंगे, इसके अलावा जो भी फिर हम बात करते हैं। एग्जाम्पल एन ऑरेंज, ऑरेंज के अंदर स्टार्टिंग अलिफ की आवाज से हो रही है, ऑरेंज। An umbrella, an owl, an awkward personality, an illegible guy. बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर हम n लगाएंगे, और इनके अलावा जो भी singular countable nouns हैं उनके साथ हमेशा a लगेगा। याद रखिएगा ये a है,
आ नहीं है, अ नहीं है, ये ए है, इसको ए प्रोनाउंस किया जाता है, एन एप्पल, क्या बोल रहा हूँ, ए एप्पल, या मैं कहूँ एल्गोरिथम, या हम कह सकते हैं कि एनाकोंडा, ठीक है। तो हम एग्जांपल क्या है, ए बॉय, यहाँ पर बॉय जो है वो उसका साउंड अलिफ से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो हम एन नहीं लगाएंगे, और ये सिंगुलर है तो हम ए लगा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ए वुमेन, ए यॉर्क, ए होर्स, ए यूनिवर्सिटी। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। देश किशोर कुमार सस्पेक्टेड बाय द पुलिस। अब इन एग्जांपल्स को देख रहे हैं, इंशाल्लाह आप बहुत सी चीजें आज क्लियर होंगे, हो जाएंगे। एक ए किशोर कुमार इज सस्पेक्टेड बाय द पुलिस, यहां पर क्या लगेगा, ए। यहां पर ए क्यों लगा, क्योंकि पहली बात तो ये अकेला है, दूसरी बात एन तो लग नहीं सकता, ठीक है। और किशोर कुमार जो यहाँ पर जो सस्पेक्ट हो रहा है, दिस इज अनस्पेसिफाइड, दिस इज नॉट सर्टेन कि किशोर कुमार कौन सा भाई, या क्या दुनिया के अंदर किशोर कुमार कोई एक है, आप बता सकते हो यहाँ पर हम किस किशोर कुमार की बात कर रहे हैं, हमारी बात समझ, तो हम ए लगाएंगे जहां पर सर्टेन ना हो, नॉट सर्टेन, दैट वॉज देश हीरो ऑफ कोल्ड। यहाँ पर आप क्या लगाओगे, आप लगाओगे यहाँ पर एन, मगर यहाँ पर एन नहीं लगेगा, यहाँ पर द लगेगा, द को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, मगर यहाँ पर ये चीज बताना जरूरी थी। अब यहाँ पर एन क्यों नहीं लगा, ये तो ईयर है ना, ईयर के साथ अलिफ का साउंड स्टार्ट हो रहा है, एन लगना चाहिए, मगर ये ईयर नहीं है, हम इसको प्रोनाउंस करते हैं रॉन्गली, वी प्रोनाउंस इट ईयर, इट्स नॉट ईयर, इट्स ईयर, ये क्या आवाज से स्टार्ट होता है, ईयर। तो हम यहाँ पर द लगा सकते हैं या अ लगा सकते हैं, मगर यहाँ पर अ इसलिए नहीं लगा क्योंकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर साल की बात हो रही है, 13 साल की बात हो रही है, एक स्पेसिफाइड साल की बात हो रही है, और सा साल ईयर ऑफ कोल्ड, वो जो ठंडा था, तो पर्टिकुलर बात हो रही तो द लगेगा, अ नहीं लगेगा। आई केम हियर ईयर अगो, यहाँ पर अगेन एन नहीं लगेगा, यहाँ पर द क्यों नहीं लगा, अब यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि ईयर कौन सा, तो अ लगा देंगे, ईयर अनस्पेसिफाइड, तो हमने अ लगा दिया, ठीक है। ही स्टडीज इन देश स्कूल, हम इसको पढ़ते हैं स्कूल, स्कूल की वजह से यहाँ पर एन लगना चाहिए, मगर यहाँ पर ए लगेगा, एन नहीं लगेगा, एन क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये स्कूल नहीं है, इट्स स्कूल, सीन से स्टार्ट होता है स्कूल, एस के आवाज से स्टार्ट होता है स्कूल, इस वजह से हम यहाँ पर ए लगा रहे हैं, एंड अगेन दिस इज अनस्पेसिफाइड, सो वी आर पुटिंग ए हियर। वन इवनिंग देश बेगर केम टू माय डोर, एक भिखारी मेरे दरवाजे पर आया। अब एक भिखारी, एक तो ये तो अनकाउंटेबल हो गया, और बेगर कौन सा बेगर, पर्टिकुलरिटी शो नहीं हो रही है, तो हम यहाँ पर ए लगा रहे हैं, अगेन दिस इज नॉट सर्टेन। आई हैड देश लेट लंच टुडे, यहाँ पर अगेन ए लगेगा, याद रखिएगा लंच ब्रेकफास्ट डिनर, इनके साथ हमेशा ए लगता है, एन तो वैसे ही लग सकता, इनके साथ हमेशा ए लगेगा, बाकी द लग सकता है, कब लगेगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। To be continued, dear friends, next lecture के लिए connect रहिए, definite article को discuss करेंगे, and that is very important actually. Different say the topic ends, say the topic ends. Don't forget to like, subscribe and share our video and channel both. Assalamu alaikum.